हाँ जी, इसकी बेसिक ट्रबल शूटिंग हम लोग समझेंगे कैसे है। अभी तो हमने इसको रिपेयर कर लिया है। इसकी 1.05 वोल्ट की ये जो आईसी है 51916, ये 1.05 वोल्ट की आईसी है, ये ख़राब थी, इसको हमने रिप्लेस किया। दो आईसी पहले से तो हाथ जला है सर, एक पासवर्ड रीसेट कर। ये है आईसी, एक आईसी इसमें जली हुई है और एक तो पहले ख़राब थी। ये वाले पोर्शन पे देखेंगे ना, हल्का सा बर्निंग मार्क है, देखिए है ना, ठीक है। ये जल इसको हमने रिप्लेस कर लिया। हमारी 1.05 वोल्ट की नहीं बन रही थी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हैं लोग स्टूडेंट जो जिनको ये जानना था कि हाँ ये किस तरीके से वर्क करता है, इसका पावर प्लान क्या है। पावर प्लान का मतलब एक के बाद एक किस तरीके से इसमें पावर नेक्स्ट फर्स्ट लेवल से S5 लेवल से S4 लेवल, S4 लेवल से S3 लेवल में ये जाता है, उसके बाद आपका ये पूर्ण रूप से वर्क करता है। तो इसका जो 1x1 ट्रबल शूटिंग है कि मतलब 1x1 कौन कौन से पावर चेक करना चाहिए वो पहले आप समझिए। अगर वो आप समझ जाते हैं तो ईजी हो जाता है इसको डायग्नोज करना, ठीक है। जिसमें देखिए, सबसे पहले तो आप एडाप्टर जब ही लगाएंगे, एडाप्टर लगाने के बाद आपको देखना है 3.42 की पावर। कौन सी पावर? 3.42 की जो पावर होती है, ये वाईफाई के बगल में एक छोटा सा कॉयल है, इसके ऊपर मिलता है और यहाँ पे 3.42 की पावर आपको मिलेगी। देखिए मेरा मल्टीमीटर में रख लेता हूँ, यहाँ से 3.42 पावर। अब ये 3.42 सबसे पहले चार्जिंग आईसी में जाती है और चार्जिंग आईसी को एक्टिवेट कराती है। किसको एक्टिवेट कराती है? चार्जिंग आईसी। जब चार्जिंग आईसी एक्टिवेट होगी तो इस मॉस्फेट, ये मॉस्फेट ऑन होगा, डुअल मॉस्फेट ऑन होकर ये ड्रेन है, इस पर आउटपुट्स मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ से पावर आपकी देखिए यहाँ पे मिल जाएगी 16.5 वोल्ट जो इनपुट हो रही है। अब ये पावर जो है चार्जिंग रेगुलेटर की, ये अपर मॉस्फेट लोअर मॉस्फेट है, ये डुअल मॉस्फेट चार्जिंग रेगुलेटर आईसी पीछे है बैक साइड में। ये अगर आईसी सही काम कर रही होगी चार्जिंग आईसी, तब जाके वो फर्स्ट मॉस्फेट सेकंड मॉस्फेट, वी इन सेक्शन में पढ़ा आपने, वो दोनों मॉस्फेट ऑन होंगे इस चार्जिंग आईसी की मदद से, और साथ के साथ चार्जिंग पावर कन्वर्ट की जाएगी 8.1 वोल्ट में। कितने वोल्ट में? 8.1 वोल्ट पहले यहाँ पे बनेगा। कितना वोल्ट बनेगा? 8.1 वोल्ट। अब 8.1 वोल्ट बनने के बाद क्या होगी, SMC एक्टिवेट होगी। 3.42 मिल गया SMC को, और 3.42 के बाद SMC रीसेट। यहाँ पे 8.1 कॉयल पे पहले बन चुका है, इतना आपने समझ लिया। अब इसके बाद SMC रीसेट के सिग्नल बनने चाहिए, SMC रीसेट यहाँ पे बनेगा। ये SMC रीसेट की IC है। SMC रीसेट की ये जो सिग्नल है, हमेशा एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, या तो ये IC खराब होती है, या तो SMC रीसेट के ऊपर पुल अप रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ये रजिस्टर खराब होता है, ये पावर यहाँ नहीं जा रही है, तो क्या होती है, SMC एक्टिवेट नहीं होगी। और SMC एक्टिवेट नहीं होगी तो 8.1 वोल्ट जो कॉयल पे बन रही है वो 8.1 ही रह जाएगी, वो और हाई नहीं होगी। अगर SMC एक्टिवेट हो रही है तो चार्जिंग कॉयल पे 8.6 वोल्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 8.6 वोल्ट बन जाएगी, और आपका SDA XCL भी एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे। कहाँ पे? चार्जिंग कॉयल पे। चार्जिंग कॉयल पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे फ्लिकरिंग मिलेगी, देखिए SDA XCL पे, देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, अब इसको वोल्टेज कर लिया मैंने 1 वोल्ट, देखिए ये फ्लिकरिंग आ रही है, और एक फ्लिकरिंग इसमें भी आएगी, दोनों पिनों पे आएगी, आ रही है। अगर इस तरीके से फ्लिकरिंग आ रही है और चार्जिंग रेगुलेटर पे ये चार्जिंग पावर फ्लिकर मतलब स्विचिंग करके पावर बन रही है, तो समझ लीजिए कि SMC एक्टिवेट हो रही है। SMC जब एक्टिवेट होगी तभी आपका 8.6 वोल्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। और SMC एक्टिवेट करने के लिए आपको दो एक पॉइंट और बता देता हूँ चेक करने चाहिए। SMC के लिए आप एक चीज़ 3.42 की पावर चेक कर लिया करिए। 3.42 की पावर देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर पे रजिस्टर कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 3.42 की पावर मिलती है। कितना मिलती है? 3.42। देखिए यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे मिलती है, इस वाले रजिस्टर पे यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे मिल जाएगा 3.42। एक सेकेंड काम गया, ये पावर मिल जाएगी 3.42। इवन यहाँ पे 1.2 वोल्ट मिलता है इस कैपेसिटर के पास, ये पावर्स मिलनी चाहिए, देख रहे हैं।
हाँ तब जाके ये SMC एक्टिवेट होगी और 8.1 को लिफ्ट करके 8.6 वोल्ट पे पहुंचा देंगे। ठीक है सर, नमस्ते नमस्ते, बाय बाय। ठीक है 8.6 वोल्ट तब बनेगा। अब 8.6 वोल्ट बनेगा तब जाके 3.3 वोल्ट बनेगा एक्टिवेट। ये तो उसी 3-5 का ड्यूअल रेगुलेटर होता है, उसमें ये 3 वोल्ट का रेगुलेटर है। कितने वोल्ट का? 6 वोल्ट। हाँ तो 3.3 वोल्ट की यहाँ पावर बन जाएगी। ये 3.3 वोल्ट की पावर बनती है इस ड्यूअल रेगुलेटर पे। यहाँ पे ये ड्यूअल रेगुलेटर है 3-5 का, और 3.3 वोल्ट की पावर अगर S5 वो बनती है, 3.3 वोल्ट S5 अगर उस लेवल में आगे चल के पावर जब कंप्लीट बनती है, तब यहाँ पे 3.3 वोल्ट का S5 स्टेट का पावर बोर्ड आता है। ये पावर बोर्ड, ये रजिस्टर भी काफ़ी ख़राब होता है और इन चार रजिस्टर पे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर आता है। ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम है इस एरिया में, इसमें मॉइस्चर आना, ये रजिस्टर गल जाना। ठीक है, और अगर SMC के आसपास में सबसे ज़्यादा अगर मॉइस्चर की बात करें, ऑटोमेटिक जब मॉइस्चर आता है SMC में, तो सबसे ज़्यादा वो मॉइस्चर का एरिया होता है ये वाला पोर्शन, ये वाले, ये जो कैपेसिटर्स हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट की पावर नहीं जा रही होती तो भी क्या हो जाता, 3.4 वोल्ट की जो पावर है ये नहीं जा रही होती, तब ये SMC क्या हो जाती, ऑफ हो जाती है। ये कुछ कॉमन टेस्टिंग्स हैं। अब 3.3 वोल्ट आपका, अब कॉइल की सारी पावर चेक करोगे, क्या चेक करोगे, कॉइल की पावर। तो 3.3 वोल्ट की कॉइल की पावर बन गई, और उससे पहले अगर आप चेक करते हो तो आपको एक चीज़ और चेक करना है कि जब 3.3 वोल्ट की पावर बनी है, S5 इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये 3.3 वोल्ट S5 बनी चाहिए, क्या बननी चाहिए, 3.3 वोल्ट S5 ये पावर बनी। अगर 8.1 वोल्ट बन रहा है चार्जिंग कॉइल पे और 3.3 वोल्ट की ये पावर नहीं बन रही है, तो इसका मतलब SMC से रिलेटेड इशू है, या तो SMC एक्टिवेट नहीं हो रही है, SMC खराब है। 8.6 वोल्ट बनना और 3.3 वोल्ट बनना, ये सिम्टम्स होता है कि SMC सही है, प्राइमरी लेवल उसका ओके ठीक है। हाँ, अब इसके बाद ये जो 3.3 वोल्ट सस में कन्वर्ट होगी, लेकिन उससे पहले इस 3.3 वोल्ट का इस्तेमाल करके 3.3 वोल्ट RTC पावर बनेगी। कौन सी पावर बनेगी? RTC। 3.3 वोल्ट RTC पावर बनती है, जो कि यहाँ पे बनेगी आपके बायोस और क्रिस्टल के बीच में एक IC लगी होती है। ये एरिया भी काफ़ी मॉइस्चर की वजह से ख़राब होता है, ये अगर एरिया मॉइस्चर होता है तो डेड हो जाती मशीन। यहाँ पे 3.3 वोल्ट RTC पावर बनती है और इसकी फ्रीक्वेंसी यूज़ करके ये 32 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बनाएगा, और वो फ्रीक्वेंसी इसकी पिन नंबर 12 पे चेक करिए, या 1.05 वोल्ट की जो IC है उसके बगल में एक डॉट है, ये टेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर वो कनेक्टेड है और PCH में जाता है, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, आप वहीं पे चेक करिए पिन नंबर 12 पे। पिन नंबर 12 पे चेक करना थोड़ा टिपिकल है, मेरे प्रॉब मोटी है तो मुझे याद है कि मैंने ये यहाँ पर मुझे चेक करना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 32 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी ये बन रहा है, तो मतलब RTC सेक्शन का प्राइमरी सेक्शन ओके होगा। अब ये 3.3 वोल्ट RTC पावर यहाँ पर आएगी, ठीक है, ये पावर जो है यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ चार रजिस्टर है, ये चार रजिस्टर RTC RST है, SRTC RST है, इंट्रूडर और इंटरनल VR इनेबल वाले पॉइंट्स हैं। ये चारों रजिस्टर पे हमें 1x1 चेक करने, चारों पे पॉइंट मिलने चाहिए, या यहाँ दो टेस्टिंग पॉइंट्स दिए हुए ये पॉइंट है, ठीक है, ये चेक कर लिया, और यहीं पे DSW पावर ओके करके एक रजिस्टर ये लगा होता है, और एक आपका बैटरी लो का पावर बना होता है, ये रजिस्टर होता है, तो ये सारा चीज़ चेक कर लिया आपने, तो आपका PCH को प्राइमरी सेक्शन RTC सेक्शन ओके है। ठीक है, अब PCH को रिक्वायरमेंट है BIOS की, किसकी रिक्वायरमेंट है, BIOS की पिन नंबर 8 पे, यहाँ पे 3.3 वोल्ट। अब क्या होगा, जब PCH को RTC सेक्शन ओके होगा तो PCH एक SS इनेबल करके सिग्नल देगा जो यहाँ पर आएगा, जिससे क्या होगा, ये 3.3 वोल्ट की S5 की पावर जो है कन्वर्ट होगी 3.3 वोल्ट SS में। किसमें कन्वर्ट होगी? SS में। S4 और S5 इसके बीच में इन्होंने SS लेवल घुसेड़ दिया है, हाँ SUS करके डाल दिया, तो यहाँ 3.3 वोल्ट S5 की पावर को कन्वर्ट कराया गया 3.3 वोल्ट SS में, और वो पावर दे देगी BIOS के पिन नंबर 8 को। अब जब यहाँ पे BIOS के पिन नंबर 8 को पावर मिली, अब ये BIOS ओके होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद आपका BIOS रीड करके SL S4 ऑन का सिग्नल दिया जाएगा, कौन सा सिग्नल,
अगर आपका बायोस ओके होगी और सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी तभी PCH SLP underscore S4 underscore L का सिग्नल जनरेट करेगी या S4 ऑन का सिग्नल जनरेट होगा, जिसको आप डायरेक्टली IO के बगल में चेक कर सकते हो। किसके बगल में? IO के बगल में अगर आप चेक कर लो, आप जाओ, मेरे को टेस्टिंग पॉइंट्स कुछ याद है, इस वाले रजिस्टर पॉइंट पे S4 का सिग्नल आता है, ठीक है, जब ये आएगा तभी ऑन भी होगा, अगर नहीं आएगा तो ऑन नहीं होगा। ठीक है, यार 3.3 वोल्ट, हालांकि मैंने तो उसको ऑन कर लिया। अब ये S4 ऑन और S3 ऑन के सिग्नल, SLP और S3 के सिग्नल जब मेन चिप से रिलीज होते हैं तभी बाकी सप्लाई अंदर दी है। तो अब इसके बाद हमें चेक करना होता है 5 वोल्ट, कौन सी पावर? 5 वोल्ट, इस वाली कॉयल पे हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। उसके बाद हमें चेक करना होता है 1.2 वोल्ट, उसके बाद ये रैम की पावर है, ठीक है, और ये 1.05 PCH की पावर, और इसके बाद आप चेक करोगे किसकी CPU कोर पावर, कौन सी पावर? CPU कोर पावर जब ओके कंडीशन होगा तो 1.79 वोल्ट बनता है जब डिस्प्ले आ रहा होता है। अगर 1.73 या ये सारी चीज़ें बन रही है तो मतलब अभी गड़बड़ है। इवन साथ के साथ यहाँ पे 1.8 वोल्ट की एक पावर भी बनती है छोटी पावर कॉइल पे, ये पावर हमारी क्या होनी चाहिए? ओके होनी चाहिए। अब ये सारी पावर बनने के बाद कुछ कन्वर्जेंस दिए गए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कन्वर्जेंस है, वो कन्वर्जेंस बनने चाहिए। जितने कांच की छोटी छोटी आईसियाँ हैं ना, ये कन्वर्जेंस के लिए लगे, कौन सी लगी हैं? कन्वर्जेंस पावर। ये कन्वर्जेंस पावर ओके होनी चाहिए, जब कन्वर्जेंस पावर ओके होंगी, ठीक है, तब जाके आपका हार्डवेयर पावर बोर्ड का सिग्नल बनता है। क्या बनता है? हार्डवेयर पावर बोर्ड और कोर सप्लाई बनती है। तो एक एक करके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, पावर लेवल पे आपको 1 by 1 चेक करना है कि कौन सी पावर मिसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट सिग्नल लेवल की बातें या इसके बाद की लेवल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाय बाय।